गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे आई विल स्टार्ट योर साइंस क्लास ऑनलाइन आई एम सोनल योर साइंस टीचर डियर स्टूडेंट इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फाइव टुडे वी विल डू डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ चैप्टर थर्टीन सेविंग अवर रिसोर्सेज से हम अपने रिसोर्सेज हैं जैसे कि फ्यूल वगैरह उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट इज रीन्यूएबल आर ई एन ई डब्ल्यू ए बी एल ई रिन्यूएबल Second is exhaustible, EXHAUSTIBLE, -E, exhaustible. Third is essential, ESSENTIAL, -S -S essential. Fourth is harmful, HARMFUL, harmful. Fifth is resources, RESOURCES, -E resources. Sixth, non degradable, NONDEGRADABLE, -A -A -E, non degradable. Seventh is hybrid, H Y B R I D, hybrid. Eighth is compost, C O M P O S T, compost. Ninth is deforestation, D E F O R E S T A T I O N, deforestation. Tenth, minerals, M I N E R A L S, minerals. Thank you, student. I hope you understand.

इरोड यानी कि जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे उस वो क्या करेंगे हमारी जो सोइल है उसके कटाव को इरोजन को रोकते हैं सेकेंड इज प्लास्टिक्स शुड बी डिपोजिट ऑफ वेरी केयरफुली जो प्लास्टिक्स हैं उसको हमें बहुत ही केयरफुली डिपोज़िट करना चाहिए बहुत ही केयरफुली डालना चाहिए ऐसे ही कहीं पर नहीं फेंकना चाहिए थर्ड है रिड्यूज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स हमें प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनका यूज कम करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स वैन थ्रो केयरलेसली कैन क्लोथ ड्रेन एंड हॉक एनिमल्स हु ईट ग्रास और वार्म इन द वार्म इन द ग्राउंड कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ प्लास्टिक क्या होता है जैसे हम प्लास्टिक को केयरलेस तरीके से डाल देते हैं उसके कारण वो उसको जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उसके अंदर उसके साथ मिलकर जो एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं उससे उनको बहुत अधिक नुकसान होता है और जो प्लास्टिक है वो ग्राउंड पर किसी भी तरह का जो ग्रासेस हैं या कुछ भी जो ग्रो होता है उसको ग्रो होने से रोकते हैं ऑल पो ओर पोल्यूशन द अनबर्न प्लास्टिक्स फ्रॉम द अनबर्न पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्यूल्स सच एज सूट एंड आस एज वेल एज पॉइजनस गैसेज ऑल कोजिज सोइल पोल्यूशन क्या होता है जो जले हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे फोसिल फ्यूल्स हैं या फिर धुआं है या राख है ये जो है या और जो पॉइजनस जहरीली जो गैसेज हैं ये सारे ही सॉइल पोल्यूशन के कारण हैं वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है रेगुलर चेक एयर नेसेसरी टू एंश्योर दैट द फैक्ट्रीज ओबे द लोज फॉर्म टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन क्या नियमित रूप से जो एयर है उसको चेक करना चाहिए और उससे ये इंश्योर करना चाहिए कि जो नियम है उनके अनुसार ही जो फैक्ट्रीज हैं उनसे धुआं निकले उससे अधिक ना निकले यूज ऑफ इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड पावर कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए इको फ्रेंडली और जो सोर्सेज हैं पावर जनरेट करने के लिए उनका यूज करना चाहिए कीप य हाउस वेल वेंटिलेट एंड वैन एवर पॉसिबल यूज़ फैंस इंस्टेड फॉर इन द एयर कंडीशन विच इमेट हार्मफुल गैसेज क्या होता है कि आपको अपने जो घर हैं उनको वेंटिलेटेड करना चाहिए और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक यूज़ हो सके वहाँ तक हमें फ़ैंस का यूज़ करना चाहिए न एयर कंडीशनर्स जो हैं वो हार्मफुल गैसेज पहुँचाते हैं फैंस और ये जो एयर कंडीशनर्स हैं ये सारे हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में फैलाते हैं प्रोडिक पॉल्यूशन टेस्ट शुड ऑल्सो बी कैरियड आवर फॉर व्हीकल्स जो प्रोडिक पॉल्यूशन है वो भी हमारे व्हीकल्स से अधिक निकलता है उसको भी टेस्ट करवाना चाहिए नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली हेयरिंग ए हाई इंसटेंसिटी ऑफ साउंड कैन बी इवन कोज परमानेंटली लॉज ऑफ हियरिंग अधिक से अधिक और रेगुलर जो आवाज़ है वो परमानेंटली भी व्यक्ति को जो व्यक्ति सुनता रहता है उससे क्या हो जाता है साइंड पोल्यूशन लाउड नॉइज नॉट ओनली डिस्टर्ब हुमैन बट अदर एनिमल स्पीसीज एज वेल एज जो तेज आवाज है वो केवल एनिम सॉरी हुमेंस को ही डिस्टर्ब नहीं करती है एनिमल्स भी इससे डिस्टर्ब होते हैं वे टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के तरीके क्या हैं यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी बैन अधिक से अधिक जो लाउड स्पीकर हैं उनको रोक लगानी चाहिए अननेसेसरी हॉकिंग इज नो हॉन् जोन सच एज हॉस्पिटल स्कूल एंड ट्रैफिक क्रॉसिंग शुड बी चेकड जो बे बेकार में जहाँ पर होन बनाए जा बजाए जाते हैं जहाँ पर नो होन एरिया है जैसे हॉस्पिटल है स्कूल है या ट्रैफिक क्रॉसिंग है उनको चेक करते रहना चाहिए कि वहाँ पर कोई अननेसेसरी होन ना बजाए बी केयरफुल वाइल यूजिंग मशीन्स और टूल्स दैट मेक लाउड नॉइस जो मशीन्स हैं या टूल्स से जो अधिक आवाज़ करते हैं उनका यूज बहुत ही सूझबूझ के साथ करना चाहिए so dear students i hope you understand and you read this chapter two times thank you friends a very healthy morning to all of you in our last video we have completed our story part and today we will start our chapter number 31 letters for informing your father about poor marks write a letter to your father informing him that you could not get good marks in english अपने पिताजी को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपने कैसे गुड मार्क्स जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें प्राप्त नहीं कर सके इसके बारे में तो फर्स्टली वी राइट हेयर एड्रेस सेवन सिक्स टू मॉडल टाउन गांधी हॉस्टल दहली इसके बाद आपको क्या राइट करनी है डेट ट्वेंटी फाइव जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी माई रिस्पेक्टेड फादर क्या राइट करना है माई रिस्पेक्टेड फादर को क्या आप लेटर किस को राइट कर रहे हो फादर को आई एम वेरी सॉरी टू राइट दैट आई ओपटेन पुअर मार्क्स इन इंग्लिश इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्या कह रहा है क्या लिख रहा है आई एम वेरी सॉरी क्या मुझे बहुत दुख है कि मुझे बहुत दुख है टू राइट दैट या लिखते हुए दैट आई ओपटेंट पुअर मार्क्स इन इंग्लिश इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स की जो मेरे फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम हुए थे उसमें मुझे कैसे कम मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में दो माई इंग्लिश इज नॉट गुड हालांकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है बट आई नेवर एक्सपेक्टेड सच पुअर मार्क्स इन द सब्जेक्ट लेकिन फिर भी मुझे इस प्रकार के जो पुअर मार्क्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं थे कि इस प्रकार के मेरे मार्क्स इंग्लिश में आएंगे नाउ आई फील दैट आई शुड जॉइन द इंग्लिश कोचिंग क्लास अब मुझे क्या हो रहा है महसूस हो रहा है कि मुझे क्या कर लेनी चाहिए इंग्लिश की कोचिंग जो क्लासेज है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए आई होप यू विल काइंडली अलाउ मी मुझे आशा है कि आप इसके लिए मुझे अनुमति दे, दे देंगे प्लीज़ कन्वे माई रिस्पेक्ट टू मदर मेरी मदर को भी इसके बारे में कृपया आदरणीय जो मेरी मदर उसको भी बताएं योर लविंग सन आपका प्यारा पुत्र मयंक कुमार बेटा आपको ये राइट करना है जो आपका ये लेटर है और इसको लर्न भी करना है थैंक यू ए नाइस डे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका एम एल पी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चों कक्षा पांचवी में हम कर रहे थे पाठ पंद्रह बिहू ये पाठ हम पढ़ चुके थे इस शब्दार्थ भी हम कर चुके थे आज हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य अभ्यास कार्य में बच्चों पहले हम करेंगे कठिन शब्द इनका उच्चारण आप मेरे साथ करेंगे रत जगा अलाव रंगाली बिहू उपहार स्वरूप प्रारंभ अतिरिक्त त्यौहार से देखिए रतजगा अलाव रंगाली बिहू उपहार स्वरूप प्रारंभ अतिरिक्त त्यौहार इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए हमारा पहला प्रश्न है गोगोई और शर्मा परिवार कहाँ के रहने वाले थे गोगोई और शर्मा परिवार कहाँ के रहने वाले थे इसका उत्तर होगा गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ का और शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था क्या उत्तर बताया मैंने गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ का और शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था अगला प्रश्न है बिहू का त्यौहार किसके यहाँ मनाया जा रहा था उसमें किसे आमंत्रित किया गया था बिहू का त्यौहार किसके यहाँ मनाया जा रहा था उसमें किसे आमंत्रित किया गया था इसका उत्तर होगा बिहू का त्यौहार तरुणा के यहाँ मनाया जा रहा था उसमें तरुणा की सहेली मेघा के परिवार को आमंत्रित किया गया था क्या उत्तर बताया मैंने बिहू का त्यौहार तरुणा के यहाँ मनाया जा रहा था उसमें तरुणा की सहेली मेघा के परिवार को आमंत्रित किया गया था हमारा अगला प्रश्न है तरुणा के घर की सजावट किस प्रकार की गई थी तरुणा के घर की सजावट किस प्रकार की गई थी इसका उत्तर होगा रंग बिरंगी फूलों की बेलें और केले के पत्तों से पूरा आंगन सजाया गया था चारों तरफ गुब्बारों के गुच्छे लटक रहे थे कैसे सजाया गया था घर को रंग बिरंगी फूलों की बेलें और केले के पत्तों से पूरा आंगन सजाया गया था चारों तरफ गुब्बारों के गुच्छे लटक रहे थे इसके बाद है लिखित प्रश्न और लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए पहला प्रश्न है बिहू त्यौहार पर किसे आमंत्रित किया गया था बिहू त्यौहार पर किसे आमंत्रित किया गया था हमारे पास तीन विकल्प है शर्मा परिवार को तरुणा को या गोगोई परिवार को तो इसका उत्तर होगा शर्मा परिवार को तो यहाँ पर ना, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे पहले विकल्प पर अगला प्रश्न है बिहू त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है बिहू त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है मेघालय में केरल में या असम में तो इसका सही उत्तर होगा असम में अगला प्रश्न है रंगाली बिहू किस ऋतु में आता है रंगाली बिहू किस ऋतु में आता है शरद ऋतु में वसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में तो इसका सही उत्तर होगा वसंत ऋतु में अगला प्रश्न है हर्षोल्लास का, हर का शुद्ध रूप है हर्षोल्लास का शुद्ध रूप है हर्ष जमा उल्लास हर्षा जमा उल्लास या हर्षो उल्लास तो इसका सही उत्तर होगा हर्ष जमा उल्लास तो बच्चों ये जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं या आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं तो बच्चों कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लेट वी स्टार्ट अवर मैस ऑल क्लासेस और क्लास फिफ्थ माई डियर स्टेंट इन प्रीवियस क्लास और एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट वन इज कंप्लीट टू डे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट टू स्टेंस इस एक्सरसाइज में हमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंसटेज फाइंड आउट करने हैं नॉ फर्स्ट ऑफ ऑल बी अंडरस्टैंड फॉर्मुलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जब प्रॉफिट एंड लॉस को कॉस्ट प्राइस के होगी हंड्रेड नंबर पर फाइंड आउट किया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या लगता है ना प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड मीस हमें प्रॉफिट गिवन होगा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा ना लॉस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाय कोस प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड मीनस लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ स्टार्ट अवर सेल्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज टोड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे इसमें हमें सेलिंग प्राइज फर्स्ट प्राइज गिवन है इसके हेल्प से हमें पहले प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे सो लेट्स स्टार्ट नाउ पर डे स्टूडेंट सेलिंग प्राइस गिवन वन है वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस गिवन वन है वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज सेलिंग प्राइस ज्यादा स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस से मीस यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है नाउ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव उसमें से माइनस किया वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव को लेफ्ट रहता है ट्वेंटी रुपीज़ मीस ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट हुआ है नाउ प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्रॉफिट है ट्वेंटी रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड परसेंटेज फाउंड आउट करने के लिए नाउ इस को कट करेंगे और ऊपर और नीचे थर्टी वन फोर हंड्रेड को थर्टी वन से डिवाइड किया ट्वेल्व पॉइंट नाइन जीरोल फाइव हंड्रेड फोर्टी रुपीज और कॉस्ट प्राइस गिवन है सिक्स हंड्रेड रुपीज प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से यहाँ पे लॉस हुआ है लॉस इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस सिक्स हंड्रेड माइनस हंड्रेड फोर्टी सिक्सटी रुपीज़ लॉस हुआ है सिक्सटी रुपीज़ का नाउ लॉस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड लॉस है सिक्सटी रुपीज़ कोस्ट प्राइस है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कट करेंगे टू जीरो से टू जीरो कैंसिल सिक्स वन जैसे सिक्स सिक्स टैंस सिक्सटी नौ सेंट लेफ्ट रहता है टेन परसेंटेज मिस टेन परसेंटेज का लॉस हुआ है नौ पार्ट जे सेलिंग प्राइस गिवन ने टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ कोस्ट प्राइस गिमन वन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कोस्ट प्राइस से मिस यहाँ पे प्रॉफिट हुआ profit well to, price, price है प्रोफिट इजवल टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है टू थाउजेंडें वन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ माइनस कोस्ट प्राइस है वन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ इनको माइनस किया थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ मीस थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज डिवाइडेड मल्टीप्लाई हंड्रेड प्रॉफिट है थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है वन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इनको कट करेंगे टू जीरो से टू जीरो कैंसिल एटीन वन जै एटीन एटीन टू जी थर्टी सिक्स जीरो आवर आंसर इज ट्वेंटी परसेंट मीन ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हुआ है आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से मिस वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से मिस वहाँ पे लॉस हुआ है वहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स यू डू कम्प्ली पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नव यू डू नेक्स्ट क्वेश्चन नो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए शॉप कीपर अंडे प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट और सेलिंग ए टेबल फॉर थ्री हंड्रेड रुपीजी स्ट्रेंट एक शॉप कीपर ने टेबल को थ्री हंड्रेड रुपीजी में सेल किया इसके ऊपर उसको ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हुआ है ना फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल स्ट्रेंट हमें टेबल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है कितना रुपीज़ होगा स्ट्रंट यहाँ पे चेयर गिवन है यहाँ पे टेबल आएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें टेबल का सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस भी हमें टेबल का ही फाइंड आउट करना है फ्रंट इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है ट्वेंटी परसेंट और सेलिंग प्राइस गिवन है थ्री हंड्रेड रुपीज़ उसके आपसे कोस्ट प्राइज फाइंड आउट करना है नाव लेट कॉस्ट प्राइज है हंड्रेड रुपीज़ तब प्रोफि होगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ और सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइज प्लस प्रोफिट कॉस्ट प्राइज है हंड्रेड प्लस प्रोफिट है ट्वेंटी इज्कुल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ मिस जब कॉस्ट प्राइज हंड्रेड रुपीज़ है तब सेलिंग प्राइज है वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ क्वेश्चन में हमें गिवन है सेलिंग प्राइज़ है थ्री हंड्रेड रुपीज़ नाव इफ सेलिंग प्राइज वन हंड्रेड ट्वेंटी देन कॉस्ट प्राइज है हंड्रेड रुपीज़ इफ जब सेलिंग प्राइज वन है दैन कॉस्ट प्राइज होगा हंड्रेड अप ऑन वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ इफ़ सेलिंग price है थ्री हंड्रेड रुपीज़ cost उस प्राइस होगा हंड्रेड अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड रुपीज़ नव इसको कट करेंगे वन जीरो से वन जीरो कैंसिल टेन और ट्वेल्व दोनों टू के टेबल में आते टू से कट करेंगे टू सिक्स जै ट्वेल्व टू फाइव जै टेन न सिक्स से थ्री हंड्रेड को कट करेंगे सिक्स वन जै सिक्स सिक्स फाइव जै थर्टी जीरो लेफ्ट रहता है स्टूडेंस ऊपर फाइव मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी फाइव को फिफ्टी से मल्टीप्लाई किया टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज मिस कोड फिफ्टी रुपीजेंट एक सेकंड मेथड है उससे भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं कोस्ट प्राइस स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट गिवन है ट्वेंटी परसेंट सेलिंग प्राइस गिवन है थ्री हंड्रेड रुपीज फार्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड हंड्रेड प्लस परसेंट सब वैल्यूज पुट करेंगे सेलिंग प्राइस है थ्री हंड्रेड रुपीज मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हंड्रेड प्लस परसेंट है ट्वेंटी हंड्रेड में ट्वेंटी को प्लस किया वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ अब इसको कट करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल टेन और ट्वेल्व दोनों टू की टेबल में आते हैं टू से कट हो सकते हैं टू सिक्स जी ट्वेल्व एंड टू फाइव से टेन अब सिक्स से कट करेंगे थ्री हंड्रेड को सिक्स वन जी सिक्स सिक्स फाइव जी थर्टी जीरो ऊपर लेफ्ट रहता है फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय फाइव फिफ्टी को फाइव से मल्टीप्लाई किया टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज मिस कॉस्ट प्राइस आया टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों मेथड बताए आपको जो ईजी लगे उससे आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करें So, students, you do complete question number first and second in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you, students. Have a nice day.